आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन के वक्त ये कहा गया था कि आर्टिकल जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक रुकावट है। तो अब डाइल्यूशन हुए हुए लगभग 7 महीने गुजर चुके हैं। आज मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कि जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में क्या कुछ बदला है, मेरे साथ हैं बड़ी ब्राह्मणा एसोसिएशन के 12 साल लगातार प्रेसिडेंट रहे और साथ ही एक्स चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अनिल सूरी। अनिल सूरी जी, सबसे पहला सवाल यही कि आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन से पहले और आज के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में जम्मू कश्मीर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली क्या है कि आर्टिकल 370 डाइल्यूशन जम्मू में हम चाहते थे कि वन टैक्स वन नेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंटेग्रेट होना चाहिए कंट्री के साथ। लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से जो हमारी लोकेशनल डिसएडवांटेजेस हैं कि वी आर स्टिल ए लैंडलॉक स्टेट, हमारी पास ना कोई रॉ मटेरियल ज़्यादा हैं, हम सारे बाहर से मंगवा रहे हैं, साथ में हमारे जो मार्केट है वो भी बाहर हम बेच रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 5-6% हायर है नेबरिंग स्टेट से। तो उससे आर्टिकल 370 का कुछ लेना देना नहीं है। इट कैन बी ए पोलिटिकल स्टेटमेंट, इट कैन बी ए पोलिटिकल वेल बींग, इट कैन बी एनी थिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट, बट इकोनॉमी के लिहाज से हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम पहले थे। रादर हमारे नेबर्स जो हैं वो ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए हैं। कश्मीर वैली जो कि हमारी एक मार्केट थी वो पिछले 6 महीने से बंद है, हमारे पैसे वहाँ पे फंसे हुए हैं, बैंक्स के इंटरेस्ट और बढ़ गए हैं जो जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हाई हो गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी डाउन हो गई है, वी आर वर्किंग एट ए वेरी लोअर कैपेसिटीज़ और हमें मजबूर होके हमारी कुछ लेबर भी शेड करनी पड़ रही है, जिससे कि हालात आज की डेट में बद से बदतर होते जा रहे हैं। लखनपुर टोल प्लाजा की अबॉलिशन से कोई इम्पैक्ट पड़ा है? लखनपुर टोल प्लाजा की अबॉलिशन से यस, हमें इम्पैक्ट पड़ा है कि वो एक हमारे लिए प्रोटेक्शन थी, हमें 1 रुपये पर केजी का जो उन्होंने एडिड बेनिफिट था इन कंपैरिजन टू द नेबरिंग स्टेट्स इंडस्ट्रीज। तो अब ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हमारे पंजाब में बन रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हायर है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कम है, वो यहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं जिससे कि हमारी अगेन प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ और हमारी सेल्स जो है कम हो गई हैं। साथ में जिस तरह से आपने कश्मीर की बात की तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर जो इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी है जहाँ पर वहाँ पर एक हिस्से को, जैसे इंटरनेट बंद है और भी कई सारे मसले हैं, एक एरिया को आइसोलेट करके क्या इंडस्ट्रियल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में इम्प्रूव किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, आइसोलेट करने की तो बात ही नहीं है क्योंकि बेसिकली क्या है कि आज की डेट में गवर्नमेंट सेल्स सारी ख़त्म हो गई हैं, काफ़ी इंडस्ट्री जो हमारी थी वो गवर्नमेंट परचेजेस पे डिपेंडेंट थी। अब नया इन्होंने किया है कि जीईएम पोर्टल एक शुरू किया है कि सारी परचेज जो है वो उसी पोर्टल पे, जेम पोर्टल पे होगी। अब वो क्या है कि हमें जो पहले एग्जिस्टिंग इंसेंटिव थे कि जैसे हमें 20% प्राइस प्रेफरेंस थी वो सारी ख़त्म हो गई है। हाउ कैन वी कम्पीट विद द नेशनल प्रोडक्ट्स? ऐसी और कौन कौन सी कंसेशंस थी जो पहले जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती थी अब खत्म हो गई है, या कुछ पहले नहीं मिलती थी अब मिलना शुरू हो गई है? देखिए क्या है कि पहले तो हमें फ़र्क पड़ा जबकि हम वैट रजीम से जीएसटी रजीम में आए। प्री जीएसटी रजीम में हमें क्या था कि हमें 100% वैट की रिमिशन थी, हम ना चार्ज करते थे ना हम उसमें से जमा करवाते थे किसी अकाउंट में, लेकिन हम एक नोशनल एंट्री करते थे जिसके ही हमारे डीलर्स को बेनिफिट होता था। अब पोस्ट जीएसटी रिजीम में क्या किया है कि इन्होंने किया है कि जो वैल्यू एडिशन पे हमें एसजीएसटी कंपोनेंट है वो रिफंड करना है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। अब वो क्या है कि एक तो वो कंपोनेंट कम हो गया, सेकेंडली वो रिफंड जो है वो हमें 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल नहीं मिलता है, उससे क्या है कि हमारी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो इसमें इन्वेस्ट होती जा रही है, हमारा कैश फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक तो ड्रॉबैक पोस्ट जीएसटी रिजीम में ये हुआ। सेकेंडली अब जो हमारी जब हम नेशनल ग्रिड के साथ जुड़े हैं कि हमें जेम पोर्टल पर सारी परचेज हो रही है, तो अब क्या है कि 20% प्राइस प्रेफरेंस जो हमें थी वो हमें ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट की परचेजेस सारी बंद हो गई हैं, अब जो भी टेंडर्स हो रहे हैं वो परचेज एंड कमीशनिंग एग्जैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं जो जिससे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ बिक नहीं रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी किया है
कि आप ऐसा कीजिए कि परचेज जैसे गवर्नमेंट की पहले चल रही थी आप वैसे कीजिए, जेम पोर्टल में कोई जेके जेम का एक लिंक दीजिए जिससे कि जेके की इंडस्ट्री जो है वो हमें उसकी सेल बढ़ सके। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इस पर सोच विचार ही कर रही है, अभी इस पर कोई कंक्रीट उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। आपने सोच विचार की बात की, एक और सोच विचार हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। एक तो अभी तक इसे बार बार पोस्टपोन किया गया, उसके बारे में जानना चाहूंगी कि उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और साथ ही में क्या इंडिजिनस इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर के उनसे कंसल्ट किया गया है इस समिट को लेकर, इस समिट के होने से उनका क्या फ़ायदा होगा? देखिए क्या है कि अगर कोई बाहर से बड़ी इंडस्ट्री आती है तो लोकल एंसिलराइजेशन होगी, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको इसमें सेल उनकी बढ़ेगी, एक तो ये फ़ायदा तो है ही है। अगर जहाँ यहाँ पे और इंडस्ट्री आती है, कोई मदर इंडस्ट्री आती है या कोई अच्छी एंटरप्राइजेज बड़ी एंटरप्राइजेज आती हैं तो उससे कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन कोई यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा, पहला सवाल तो ये है, क्योंकि वो यहाँ पे यही इसीलिए इन्वेस्ट करेगा कि अगर उसको बाकी स्टेट से या पैन इंडिया जो इंसेंटिव्स ऑलरेडी हिली स्टेट्स को या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिल रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा इंसेंटिव देगा, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स देगा तो यहाँ पे आदमी इन्वेस्ट करेगा। हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, आप नई इंडस्ट्री के लिए जो मर्जी पैकेज लाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको सस्टेन और रिटेन करने के लिए एक स्पेशल हमें पैकेज दीजिए। उस पैकेज में क्या है कि हमें प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव दीजिए, जैसे आपने ये कहा कि हमें GST का 100% रिफंड दीजिए। रिफंड नहीं, मैं तो कहता हूँ ये सेल्फ क्रेडिट मैकेनिज्म पे होना चाहिए कि एक महीने का हम जमा करवाएं और बाकी हम इसको रिवॉल्व करते रहें, सो दैट कि हमारा कैश फ्लो ना बढ़े कम हो। सेकेंडली मैं ये कहता हूँ कि आप हमें वर्किंग कैपिटल जो हमें बैंकों से हम इंटरेस्ट कंपोनेंट दे रहे हैं उस पे हमें रिबेट दीजिए, क्योंकि कैपिटल सब्सिडी वन टाइम इंसेंटिव है, नए यूनिट्स को वो देते हैं, और अगर वो नए यूनिट्स को सिर्फ इंसेंटिव देंगे और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव नहीं देंगे तो पुरानी दुकानें बंद हो जाएंगी, नई दुकानें लोग खोलेंगे नहीं, तो हमारे भाई इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए हमें ये है कि हमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को पहले ये सोचना चाहिए कि हमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को कैसे रिटेन और सस्टेन करना है, और उसके बाद हमें नई इंडस्ट्री कैसे अट्रैक्ट करनी है, ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलने चाहिए, साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। साथ ही साथ अगस्त 5 से लेकर आज तक इंटरनेट शटडाउन है, और साथ ही में आपने बोला कि कश्मीर में जो हालात हैं, क्या कुछ बदला है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर, क्या एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर अब पड़ गया है या इट इज़ नॉर्मल, ऐसा पहले भी होता है? देखिए क्या है ना कि ये सारी ना चीज़ें ना इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं। आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन भरनी है तो इंटरनेट तो चलता नहीं है, अगर चलता है तो ऐसी स्पीड पे चलता है कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो सकता। हम वी आर लकी इन जम्मू कि हमें फिर कभी कभी नेट की स्पीड मिल जाती है, श्रीनगर में तो वो हालात नहीं है। तो सेकेंडली अब रिटर्न्स जो भरनी है, GST की रिटर्न भरनी है, EPF की रिटर्न भरनी है, ESI की रिटर्न भरनी है, जो भी हमने ऑनलाइन सारी रिटर्न्स आजकल ऑनलाइन है, यहाँ तक कि इंटरनेट बैंकिंग की साइट्स डाउन रहती हैं, हम ई ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं, तो इम्पैक्ट तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जिससे कि इंडस्ट्री स्लो डाउन हो रही है। साथ ही में बात करें लैंड को लेकर, क्योंकि लैंड एक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मसला है। पहले लैंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के हिसाब से मिलती थी 90 साल की लीज में, क्या उसमें कोई भी चेंजेस आए हैं? पुरानी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 90 साल की लीज थी, 2016 में इन्होंने घटा के 40 ईयर्स की कर दी थी। अब ये क्या है कि हमने गवर्नमेंट को ये भी रिप्रेजेंट किया है कि जो इंडस्ट्री यहाँ पे पिछले 10 साल से या 15 साल से काम कर रही है, आप उनको लैंड के ओनरशिप राइट्स दे दीजिए विद ए कंडीशन दैट लैंड यूज़ विल नॉट बी चेंज। हम यहाँ पे सिर्फ MSME पर्पसेस के लिए ही ये लैंड यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी असेट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी बैलेंस शीट जो कि इस समय नेगेटिव चल रही हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, एंड वी विल हैव मोर एक्सेस टू मनी फ्रॉम द बैंक्स। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि जो इंडस्ट्री पिछले 15 साल से यहाँ पे चल रही है और वो यहाँ पे आगे भी काम करने के लिए तैयार है, उसको हम लैंड यूज़ के लीज़ को ख़त्म करके उसको ओनरशिप राइट्स दे दें एक नॉमिनल प्राइस पे, सो दैट कि हमें बैंक से ज़्यादा फाइनेंस मिल सके। लेकिन अभी तक प्रोसेस वही है कि आपको लीज पर अभी तक तो कुछ इसमें एक्टिविटी हुई नहीं है। दीज ऑल जो हमने जो रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं गवर्नमेंट को, ये अंडर कंसिडरेशन है।
अब ये हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से कि बिकॉज नया रजीम आया है, वी आर नाउ ए यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया है, तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। अब पुराने गवर्नमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट अपना, एंटरप्रेन्योर्स को भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी, जो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनको भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और नए नए तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे ताकि जो इकोनॉमी है यहाँ पे सस्टेन कर सके। साथ में आपने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो उससे इकोनॉमी को ऑब्वियसली कि फायदा मिलेगा, लेकिन किस तरह की इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में आ सकती हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ सकती हैं? क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ सकती हैं? किस तरह की इंडस्ट्रीज आ सकती हैं? देखिए, क्या है कि जो एक समय मेजर इशू जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है, और मेरी अपनी मानना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, दैट वाज ए वंडरफुल प्रोग्राम, कि अगर कहीं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अगर सस्टेन करती है या ग्रो करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ग्रो कर सकती है। हम इस समय क्या है कि ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, सर्विस से ना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और ना इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड पर ही ज़्यादा स्ट्रेस करें और मैन्युफैक्चरिंग को ईजी बनाएँ, कि देयर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक कि अवर इकोनॉमी कैन ग्रो। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने के क्या चांसेस हैं ऐसे एरिया में जो बॉर्डर एरिया भी है, जहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी रहते हैं, और जैसा कि इंटरनेट शटडाउन है, दैट इज ऑल्सो एन इशू, और आपने ही कहा कि रॉ मटेरियल्स अभी भी बाहर से आते हैं, उसका भी एक इशू है इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है, तो क्या आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? बिल्कुल आ सकती है, आगे भी आई थी। 2002 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा हमें हेल्दी पैकेज ऑफ इंसेंटिव दिया था, तो उसके बाद यहाँ पे अराउंड 2000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आई थी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियली चाहती है कि यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट भी आए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री भी सस्टेन हो, तो उनको ना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आना चाहिए जो कि वैलिड हो 15 साल के लिए, और उसमें कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स हो जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑफसेट हो सके, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल हो टू एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इंडस्ट्रीज। नॉर्मली क्या है कि जब ये इंडस्ट्रियल पैकेज लाते हैं तो ये कहते हैं जी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज अगर सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करेगी तो उसको वो पैकेज मिलेगा ऑन द एक्सपेंडेड पोर्शन, बट यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है वो अंडर कैपेसिटीज कम करेगी, कौन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यहाँ पे एक्सपेंड करेगा या एक्सपेंशन करने की हालत में है, तो इसलिए इनको एज इट इज़ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी वो पैकेज देना चाहिए। आई एम टॉकिंग ऑफ द प्रोडक्शन इंसेंटिव्स, वो सेम होने चाहिए नई इंडस्ट्री के लिए भी और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो पैकेज है, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है या इनका इनकम टैक्स का है, वो चाहे ये नई इंडस्ट्री को ही सिर्फ दें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन इंसेंटिव्स एट पार होने चाहिए बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लगभग 53 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, काफ़ी लैंड बैंक्स क्रिएट किए गए हैं, क्या उन सबको पूरी तरह यूटिलाइज कर लिया गया है कि अब कहा जा रहा है कि 6000 एकड़ के और लैंड बैंक्स क्रिएट किए जाएंगे? देखिए, क्या है कि अभी इन्होंने 10 नए इंडस्ट्रियल एरियाज की घोषणा की, जिसमें एक उधमपुर में है, 9 कश्मीर में है। अब कश्मीर में बाहर का एंटरप्रेन्योर क्यों इन्वेस्ट करेगा और कैसे इन्वेस्ट करेगा जब वहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, ना कोई कनेक्टिविटी है, ना कुछ है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि थोड़ा इनको ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि फ्रेट हमारा कम हो यहाँ पे, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट ढूंढना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में कर रहे हैं, तो इनलैंड कंटेनर डिपो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ में डेवलप करना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकती है। जब तक ये आए इतनी देर तक इंसेंटिव दें और साथ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है आज की डेट में, मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना फ्रेट पे हमें कंपनसेट कीजिए, कि जम्मू को या जो भी हमारी स्टेट में जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगती है, दैट इज़ अ ज़ीरो पॉइंट। अब यहाँ से अगर हमने मटेरियल मैंने US में बेचना है या दुबई में बेचना है, तो मेरे को फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द डेस्टिनेशन अगर वो फ्रेट कंपनसेट करें, तो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है और वाइबल भी होगी, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज जैसे जापान है या इज़राइल है या कुछ भी ऐसे, गुजरात में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने ज़ीरो
پوائنٹ بنا دیا ہے اور فریٹ گورنمنٹ کمپنسیٹ کر رہی ہے تو کیوں نہیں یہاں پہ ہب بن سکتا انڈسٹریز کا. وی ہیو ٹو لک فار دیز نیو آئیڈیاز اینڈ نیو ایریاز تبھی ہم یہاں پہ سسٹین کر سکیں گے انڈسٹری کو. بہت بہت شکریہ انل سوری جی. تو آپ نے سنا ان کا صاف کہنا ہے کہ اگر سرکار یہاں کے انڈیجینس انڈسٹریلسٹ کو ایک انسینٹیو دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسینٹیو ان نئی انڈسٹریز کو بھی دیتی ہے جو جموں کشمیر آ کے اسٹیبلش ہونا چاہتے ہیں, تو جموں کشمیر کا جو انڈسٹریل سیناریو ہے وہ بدلتا نظر آنا شروع ہو جائے گا. فی الحال آرٹیکل 370 کے ڈائلیوشن سے پہلے اور ابھی کے سیناریو میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا.